नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्य में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव शुरू हो सकते हैं। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर 25 फरवरी से ₹2 प्रति पृष्ठ मतदाता सूची उपलब्ध होगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालयों में स्थानीय मतदाता सूची उपलब्ध होगी। आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व 14 फरवरी तक मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने पर आयोग का अनुमोदन लेना होगा। आयोग के अनुसार सभी जिलों में 24 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद ही मतदाता सूची सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। वहीं बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने के प्रावधान किए जाने की तैयारी कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत आम चुनाव को लेकर ऑनलाइन नामांकन पत्र के साथ ही ऑफलाइन नामांकन पत्र भी दाखिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऑनलाइन नामांकन दाखिल किए जाने की व्यवस्था की गई थी। राज्य के सभी जिलों में ऑफलाइन के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा ऑनलाइन नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए थे। बताया जा रहा है कि पंचायत आम चुनाव के दौरान करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होना है। चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने को लेकर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के समर्थक भी आते हैं। ऐसे में निर्वाचित पदाधिकारी के कार्यालय में भीड़ को कम करने के लिए आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन की भी तैयारी की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि नामांकन पत्र दाखिल किए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सभी 6 अलग अलग पदों के नामांकन पत्र प्रारूप भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची का संरक्षण भी कर लें। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रति अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाएगी। आपको बता दें कि आयोग के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एवं निर्वाचन क्षेत्रों की तैयारी की गई मतदाता सूची को 14 दिनों तक प्रकाशित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची ग्राम पंचायत कार्यालय प्रखंड कार्यालय में, जबकि ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में और पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रखंड के कार्यालय में, वहीं जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची प्रखंड कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बिहार में इस बार पंचायत चुनाव 9 से 10 चरणों में संपन्न होंगे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहीं बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची और मतदान केंद्र की संख्या निर्धारित होने के बाद ही पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बताते चलिए कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2,58,000 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।